गाइस, गुड इवनिंग। तो आज है करवा चौथ और मैं जो है मम्मी की हेल्प कर रही हूँ खाना बनाने में। तो करवा चौथ का पूरा जो ब्लॉग है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ और जो पूड़ी बनाने वाला जो मटेरियल होता है उसको पकाने के लिए रखती हूँ। पहले आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाती हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ छान के रख ली हैं, इधर भी एक छना रहा है। अभी सब्जी बनाने चल रही हूँ। अभी सब्जी बनेगी गोभी की। मेरा खाना पक रहा है, मतलब पक गया है, सब्जी बन रही है। और मम्मी ने देखो ये साड़ी पहनी है जो मैं पसंद करके ले आई थी। साड़ी ओढ़िए जरा, आप साड़ी ओढ़िए, देखिए कैसा लगता है ये। इसको तो तुम पहन के 10 साल और जवान लग रही हो। देखिए इनकी मस्त लग रही है, हमको तो चमक रही। चम 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 चम। तो इनकी फोटोग्राफी हो चुकी है, अब पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। बस देखो एक छोटी सी मुन्नू भी आ गई, अभी इनकी मम्मी भी आ गई है सच के। ये आजा 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 वो। हमारी भाभी जी भी आ गई हैं पूजा करने के लिए अपनी छोटी सी बुग्गी के साथ। तो इन लोग की फोटोग्राफी हो गई है, अभी ये लोग जा रहे हैं अपना आगे का पूजा तैयारी करने। देखो पूजा देखने के लिए इतने महान महान लोग आए हैं। एक मरीज बेचारी यहाँ बैठी है, दूसरा मरीज इधर तैयारी। अरे बाप रे, सियारे जैसा तुम्हारा आग दिख रहा है जी। इधर तैयारी हो रही है पूजा की, घर पर खड़ी है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, ये साड़ी पहन रही हैं। इनको देखिए साड़ी पहन रही हैं ये। पायल इस बार पायल पूजा की तैयारी कर रही है। मैं नीचे से तैयारी करके आई हूँ सारा। ये टकालू भी पूजा करने के लिए रो रही है ना। टकालू तो पूजा करने के लिए रो रही हो, बता दो। हाँ सारा नाक पोछ देना मेरे टी शर्ट में। गंदी बच्ची। तो ये चांद निकल चुका है, ये बत्ती के साइड में निकले हैं, दोनों सेम ही लग रहे हैं, है ना डगालू? ये रहे, कहाँ रहे? ये रहे ना। इतना रोने के बाद फाइनली ये बैठी गई पूजा में। इधर देखो, हाय करो। कैसा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर देखो, और ऊपर कर दे, देखो। ऊपर देखो, उभर ले नहीं बिल्लू, दूम चाहिए ना, स्थिति चढ़ाओ देख ले। कितना दूम? तो ये महान पुजारी पूजा करके भाग के आ गई इधर ना जी। नहीं। अच्छा तुमको समझ में आता है मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोली हूँ? तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी सही में, तुम्हारी तारीफ कर रही थी ना। पैर से नहीं लगाते। इधर पाल तैयारी कर रही है सारा, ये बना रही है। लगालू भूती चढ़ गई क्या तुमको सही में? कौन सी भूती चढ़ी है डगालू तुमको? मच्छर काट लिया रे बाबा। नहीं कहानी का रिकॉर्डिंग नहीं करना, तो मैं चल रही हूँ कहानी पढ़ने। ये बत्ती लेने गई थी। हे भगवान, अरे टकली दो साड़ी ओढ़ लो, पहले साड़ी ओढ़ लो, पहले साड़ी ओढ़ लो। करो पूजा, किसकी पूजा कर रही हो? अपने आप की क्या? किताब आई लिए कर रही है।
डगालू हर चीज लेवा चाहते ना। अरे डगालू सुई लगा है मम्मी के हाथ में, तुम कर ले तब्बो, अब बाद में लेना तुम। डगालू क्या कर दियो, देखो क्या कर दियो तुम, देखो इसके टांग में डगालू। चलो बस करो, अब हमको कहानी सुना दे, ठीक है। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो भी यहाँ की पूजा मंत्र वाली तो मतलब पूजा पाठ तो खत्म हो गई। अरे अभी चंदा मामा की पूजा करनी बाकी, खाए तुम ही लोग रहे हो लीची खाली। अरे नहीं कुछ और लोग भी है। ये कहाँ है भैया? अभी यहाँ ये लोग मेन पूजा कर रही हैं। साफ लोग मुझे इधर कोपचे में चले जाने दो। अरे बाप रे बारिश होने लगी। देखो इसका लड़की का कुछ तो नहीं। कल हम सुबह उठेंगे यहाँ के सारे लड्डू मार जाएंगे। अरे रुक जा यार, पलगी पूजा कंप्लीट हो गई है। खांसती हुई लड़की। ओह माय गॉड, ये दिया तो कुछ ज्यादा ही तेज से चल रहा है और ये बड़ा शांति से चल रहा है। पूरा आग ही लग गया ना, पूरा धुआं धुआं निकल। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही काम कर रहे हो तुम लोग, बहुत सही। जला नहीं खांसती है। हम भी माता जी के आशीर्वाद ले लेते हैं, आप लोग भी ले लो। जला दो। अब हम लोग चल रहे हैं पूजा करने। मुझे भी ये लीची पूजा पाठ वाला इंसान बन गया कब से। दूसरे के दिया में से हम लोग अपना जिंदगी बना रहे हैं, सबके में से बना लेते हैं थोड़ा। हमको ये वो वाली कहानी याद आ जाती है जो सबके दिया में से अपने जिंदगी बढ़ाता रहता है। हाँ। ये हम सबकी जिंदगी बढ़ा दे रही है, देखो सब में आग लगा दे रहे हैं।
सबका जलेगा। अब मन से पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग करूंगी। यहाँ पूजा के बाद ये सिक्के चोरी कर रही है। अरे नहीं, लड्डू चोरी करने आई थी। ये लो लड्डू। इसमें मैं भी भागीदार हूँ, मैं इसको नहीं बोल सकती अकेले। इसको रात में बिल्ली चट कर जाएगी, इसलिए मैं हम दो बिल्लियाँ जल्दी इसको चट कर जाएंगे। वाह यार, क्या नीचे सीन आ रहा है, हर कुछ ब्लर, खाली लड्डू पे फोकस है। सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे है फोकस। वाह, ये डब्बा मस्त लग रहा है। तो खाना पीना हो गया है, सारा काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई। बस इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। ये बिल्ली उधर खा रही है, देखो इधर। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी लखनऊ के जो व्लॉग हैं हम लोग के, वो और भी कंटिन्यू आने वाले हैं, तो उसको भी देखिएगा ज़रूर से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। देखो इस मुरलीधर को भगवान जी की बांसुरी चुरा के बजा रहा है। मतलब इसी की। तो अभी मैं चल रही हूँ श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी। तो आप लोग को भी गुड नाइट।